नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर बहराइच से। मोहल्ला नाजिरपुरा बगवानी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की एक बैठक हुई, जिसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद वसीम का भाव स्वागत किया गया और इस कार्यक्रम में मोहम्मद फारूक के साथ 300 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। इस कार्यक्रम का संचालन अमित यादव ने किया। इस बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष मोहम्मद वसीम ने कहा, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और यह गुंगी बहरी सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। किसानों के मुद्दे पर भाजपा की केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार मौन साध कर रखी है। किसानों के सामने सरकार का यह काला कानून लाकर किसानों को बर्बाद करने का काम किया है और समय आने पर यही किसान नौजवान भाजपा सरकार को 2022 में कड़ा जवाब देगी। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के अमित यादव ने कहा, भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है और इस सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। इसमें आज शामिल हुए जुबैर, छोटू मिस्त्री, राजू पचकौड़ी, नशीर अहमद, मोहम्मद साकिर अली, खालिद अली, जमील मंसूरी, हजरत अली आदि लगभग 300 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। इस कार्यक्रम में पार्टी की जिला महासचिव अमित यादव, जिला महासचिव डॉक्टर वेद प्रकाश, जिला सोशल मीडिया प्रभारी शकील अहमद, अरुण रस्तोगी, प्रदेश सचिव व्यापार सभा श्याम पाल सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष प्यारे लाल, रोहित मिश्रा आदि समस्त कार्यकर्ता उपस्थित थे। तमाम कार्यकर्ता आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में सदस्यता ले रहे हैं, इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये पार्टी किसानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, इसलिए आज तमाम कार्यकर्ता लगातार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो लोग भी हमारी पार्टी में आज सदस्यता लिए हैं, मैं इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और इन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हर दुख में हर सुख में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ी रहेगी। जय हिंद, जय हिंद। हो गया, आपको बैठा। देवी पाटन मंडल ब्यूरो, अशोक कुमार यादव के साथ राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट।